हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एज स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया, सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ एज स्ट्रक्चर्स, सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेट इन इंडिया। सो आइए हम लोग सबसे पहले एज स्ट्रक्चर्स के बारे में जानें। द एज स्ट्रक्चर्स ऑफ ए पॉपुलेशन रिफर्स टू ए नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए कंट्री। मीन्स कि जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्रीज का, उसको हम लोग डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके और फिर उसका स्टडी करते हैं। और फॉर एग्जांपल, हम लोग अपने कंट्री में पॉपुलेशन को तीन पार्ट में, मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक चिल्ड्रेन, जिनका एज ग्रुप बिलो एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स होता है, और उसके बाद वर्किंग एज पीपुल, जिनका एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स है, एंड देन एज्ड पॉपुलेशन मीन्स एबव 59 ईयर्स। तो ये जो हम लोग पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर्स है, उसे किसी भी कंट्री का ऑल ओवर आइडियाज होता है कि वहाँ की पॉपुलेशन में मैक्सिमम चिल्ड्रेन है या वर्किंग एज है या एज्ड है। और हर एज ग्रुप का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से वो कोरिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रेंस, दे आर बेसिकली इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड नीड टू प्रोवाइड फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स एंड स्कूल फैसिलिटीज, प्ले ग्राउंड एक्सेट्रा। सो अगर किसी भी कंट्रीज का चिल्ड्रेंस का प्रोपोर्शन उसके टोटल पॉपुलेशन में ज्यादा है, इट मीन्स कि वहाँ नंबर ऑफ स्कूल्स की जरूरत ज्यादा है, प्ले ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, और दे आर अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, राइट। एंड ये भी दिखा शो करता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है। और वर्किंग एज ग्रुप मीन्स कि वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में है। बेसिकली दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव। तो जहाँ पे जहाँ वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा होगा, मीन्स कि वहाँ पे लेबर फोर्स ज्यादा है। और एज्ड पॉपुलेशन, बेसिकली दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो दे वर्क और मे हैव रिटायर्ड। मीन्स वे लोग जो 59 से अबव हैं, वो काम कर भी सकते हैं या वो रिटायर भी हैं। और अगर इनको ध्यान में रख के देखा जाए, तो अगर किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन में एज्ड लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको उनके अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज और उनके अकॉर्डिंग टू और भी फैसिलिटीज की जरूरत होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन तीन एज ग्रुप्स से दो नए कॉन्सेप्ट इमर्ज होते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, इंडिया में कितनी परसेंट पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में है। तो ये आप देख सकते हैं कि एज स्ट्रक्चर है, पाई डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे चिल्ड्रेंस, जिनका एज ग्रुप है 0 to 14। तो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 27% चिल्ड्रेन है। ये डेटा अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 है। और वर्किंग एज ग्रुप में जो जिसका एज ग्रुप 15 टू 59 होता है, 65% पॉपुलेशन है इंडिया का। और 59 और 60 एंड एवफ का जो एज ग्रुप है, उसमें इंडिया का 8% पॉपुलेशन फॉल करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। और आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि इसे एंडसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करें, तो आप इस तरह इसको पढ़ेंगे। और आइए हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानें, जिसके बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। एक होता है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? तो पॉपुलेशन एज 0 to 14 प्लस पॉपुलेशन एज 60+ डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन एज 15 to 59 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे जो आपका जो रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो इसलिए कहते हैं कि जो पॉपुलेशन चिल्ड्रेन एज ग्रुप में है और जो एज्ड है, इन दोनों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अनप्रोडक्टिव होती है। तो ये बेसिकली ये डिपेंड करते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए इसको वो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एज 15 टू 59, दैट इज द वर्किंग एज ग्रुप से इसको
किया जाता है, डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई करके इसको निकाला जाता है। तो जहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो पॉपुलेशन का ज़्यादा होगा मीन्स वहाँ पे बच्चे और बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। एक दूसरा जो कंसेप्ट है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का है। जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि इंडिया में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड से इंडिया गुजर रहा है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने डिफाइन किया है, इट इज एट द ग्रोथ पोटेंशियल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम शिफ्ट इन ए पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको दो चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा, एक तो है कि ग्रोथ पोटेंशियल मीन्स ग्रोथ होने का जो चांसेस है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। मीन्स कि अगर कहीं कि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा हो, काम करने वाले लोग ज्यादा हो, तो वहां का ग्रोथ ज्यादा हो सकता है। अंटिल उसके लिए हमें एक शर्त होगी कि हमारे यहाँ जितने वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करें। अगर वो इकोनॉमिकली इंगेज्ड हो जाते हैं तो उस कंट्री का पॉपुलेशन, उस कंट्री का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। सो दिस इज द पोटेंशियलिटी, मीन्स दिस इज नॉट ए कन्फर्म केस। इफ पीपुल विल गेट द डिसेंट जॉब देन दे विल यूटिलाइज दिस एज ग्रुप। अगर इस एज ग्रुप में मैक्सिमम पॉपुलेशन है और कंट्री वहां पे एम्प्लॉयमेंट को नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है और वो अनएम्प्लॉयड है, तो ये जो पोटेंशियल वर्ड है मीन्स कि दे मे नॉट बी गेट द चांस ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया होगा कि एक डिपेंडेंसी रेशियो, एक डेमोग्राफिक डिविडेंट है। तो इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंट से गुजर रहा है। हमारे यहाँ लगभग 65% पॉपुलेशन है जो वर्किंग एज ग्रुप में है, और अगर हम लोग इसको सही से हेल्थ एजुकेशन और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट दें तो हमारे कंट्री का ग्रोथ डेफिनेटली होगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है सेक्स रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग सेक्स रेशियो का डेफिनेशन देखेंगे। एज इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, मीन्स पर 1000 मेल्स पे फीमेल की जनसंख्या कितनी है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां पे पर 1000 फीमेल्स में मेल का पॉपुलेशन देखा जाता है, पर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग पर 1000 मेल्स में फीमेल का पॉपुलेशन देखते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ हमेशा से फीमेल्स का जो पॉपुलेशन है वो मेल्स से कम रहा है, इसलिए हमारे यहाँ मेल्स ही रेफरेंस पॉइंट है। जबकि रसिया और ऐसे भी कुछ कंट्रीज वर्ल्ड में हैं जहाँ पे मेल का पॉपुलेशन फीमेल से कम है। और ये सेक्स रेशियो जानना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल्स इन द सोसाइटी एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड में मेल और फीमेल के पॉपुलेशन को देखना ये शो करता है कि वहाँ पे मेल और फीमेल के बीच कितनी इक्वालिटी है। चूंकि ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स का पॉपुलेशन कम इसलिए होता है चूंकि लोग मेल बायस्ड थिंकिंग रखते हैं, बहुत जगह पे फीमेल फिटिसाइड इनफेक्टिसाइड ये सब भी प्रैक्टिस है जिसके चलते फीमेल का पॉपुलेशन कम होता है। और द सेक्स रेशियो इन द कंट्री हैज ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल फॉर द फीमेल इन आर कंट्री। और जो सेंसस 2011 है उसके अकॉर्डिंग टू हमारे यहाँ 940 पर 1000 मेल्स पे फीमेल है, मतलब हमारा सेक्स रेशियो 940 है पर 1000 मेल्स पे, मीन्स पर 1000 मेल्स पे केवल 940 ही फीमेल्स हैं, 60 फीमेल्स कम है। मीन्स हमारा जो सोसाइटी हो वो इक्वल नहीं है मेल और फीमेल के पॉपुलेशन को लेकर, ये अनइक्वल है। और आइए हम लोग देखते हैं कि इंडिया में भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो इस डाइवर्सिटी में हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत वेल परफॉर्म करते हैं, कुछ स्टेट हैं जो वर्स्ट परफॉर्म करते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इंडिया में, एक तो पहला है कि इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो आपका फेवरेबल है।
तो ये जो टॉप टू स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी, उसमें केरला जहाँ पे सेक्स रेशियो 1084 है, मीन्स 1,000 पुरुषों पे 1,084 मीन्स 84, 1,084 फीमेल है। इसी तरह पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे 1,000 पुरुषों पे 1,038 महिलाएं हैं। तो ये स्टेट्स में केरला नंबर वन पे है और यूनियन टेरिटरीज में पुडुचेरी है। अगर ऑल ओवर इंडिया में देखें तो केरला नंबर वन है। तो आपसे यहाँ पे दो तीन तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और इसी तरह बॉटम स्टेट्स में देखें तो बॉटम स्टेट्स में आपको और यूनियन टेरिटरीज में दिख रहा है कि डमन एंड डीव है जो एक यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पे 1,000 पुरुषों में केवल 618 ही फीमेल है। तो आप सोच सकते हैं कि मोर देन 300 पॉपुलेशन फीमेल का कम है। इसी तरह दादर नगर हवेली, अगेन ये यूनियन टेरिटरीज, वहाँ का सेक्स रेशियो हाईली अनफेवरेबल है जो 775 है। अगर बिगर स्टेट में देखें तो हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है। और आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया आपको पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये जानें कि लिटरेसी साक्षरता होता क्या है, किसको हम लोग साक्षर कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस, ए पर्सन एज्ड 7 ईयर्स एंड एबव हु कैन रीड रीड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो उस पर्सन का एज जो है वो 7 ईयर से एबव होना चाहिए, और वो तीन चीजें जानना चाहिए उसे, एक रीड पढ़ना, राइट लिखना विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, मे बी हिंदी, उड़िया, तेलुगु, देन वी विल कॉल इट की ही और सी इज लिटरेट। और अगर इंडिया का लिटरेसी रेट देखें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग टू, जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ऑल ओवर जो लिटरेसी रेट है वो 74% है। मेल्स का लिटरेसी इंडिया में 82% है और फीमेल्स का 65.46% है। तो अगेन आप यहाँ पे देखेंगे कि मेल ज़्यादा लिटरेट है फीमेल के तुलना में, मानी हमारी सोसाइटी अनइक्वल है मेल और फीमेल के कंटेक्स्ट में। अगेन अगर हम लोग स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो केरला में है। आप ऊपर सेक्स रेशियो में भी देखेंगे कि केरला में फेवरेबल है सेक्स रेशियो। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि लिटरेसी अगर पॉजिटिव है तो सेक्स रेशियो भी पॉजिटिव है, और भी तरह के डेवलपमेंट यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। तो केरला में 93% लोग लिटरेट हैं, लक्षद्वीप में 92% है, और थर्ड पोजिशन है मिजोरम का जहाँ पे 91% लोग लिटरेट हैं। अगर लोएस्ट लिटरेसी रेट देखें तो सबसे कम बिहार में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है जो 66% है, जिसको हम लोग 67% कह सकते हैं, और उसके बाद राजस्थान में है। ये तो ऑल ओवर लिटरेसी हुई। आइए हम लोग देखते हैं कि फीमेल लिटरेसी में क्या कंडीशन है। तो हाईएस्ट लिटरेसी है अगेन केरला में, देन मिजोरम में, और मिजोरम फॉलोड बाई लक्षद्वीप। अगर फीमेल की लोएस्ट लिटरेसी देखें इंडियन स्टेट्स में तो सबसे कम फीमेल लिटरेट है राजस्थान में, देन बिहार में, और उसके बाद झारखंड में। तो आइए हम लोग एक मैप देखते हैं जो लिटरेसी रेट का मैप है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का है। तो इससे पहले जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जो टॉप टू स्टेट्स हैं और बॉटम टू स्टेट्स हैं, पर कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि सदर्न इंडिया में लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं कि लिटरेसी जो आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर है वहां पे सबसे ज्यादा लिटरेसी है, सपोज केरला, मिजोरम, त्रिपुरा। इसी तरह जैसे जैसे हम लोग ग्रीन से रेड की ओर बढ़ रहे हैं लिटरेसी रेट घटता जा रहा है। तो जहां जहां पे रेड आपको दिख रहा है लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो आप ये आपका होमवर्क है कि आप देखें कि सदर्न इंडिया में लिटरेसी रेट किस स्टेट में सबसे ज्यादा है और किस स्टेट में सबसे कम है, और इस मैप को देख के आप अपने से आप इसका आंसर लिखिए। फिर आप वेस्टर्न इंडिया में देखिए कि किसकी लिटरेसी ज्यादा है और किसकी कम है। अगेन आप देखिए कि ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं
उसमें किसकी लिटरेसी ज्यादा है और किसकी कम है। अगेन आप नॉर्दर्न स्टेट्स में देखिए कि किसकी लिटरेसी ज्यादा है और किसकी कम है, ये आपका होमवर्क है। और अगले स्लाइड्स में हम लोग फिर पढ़ेंगे कि इंडिया में अर्बनाइजेशन का क्या रेट है और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का कैसा है। थैंक यू वेरी मच।